अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक छोटा सा ब्लॉग बनाने वाली हूँ। तो ब्लॉग बन रहा है क्योंकि मैं जा रही हूँ आज बॉसिंग सैलून पे, जैसे कि मुझे भी थोड़ा क्लीन अप वगैरह कराना था और थोड़ा बहुत हेयर का कुछ तो कराना था, और ये मैनिकल जो भी मुझे कराना है वो मैं बॉसिंग सैलून पे जाके कराऊंगी। और जैसे इसके लिए आसिफ का भी थोड़ा क्या फिर कराना है, हेयर कट। हेयर कट है और थोड़ा आसिफ को थोड़ा क्लीन अप करना है, और देखते हैं वहाँ पे जाके हमारा मतलब क्या क्या हमें सर्विसिंग मिलती है और उन लोग क्या क्या सर्विसिंग देते हैं। तो चलिए मेरे साथ में आप लोग भी बॉसिंग सैलून। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ बॉसिंग सैलून पे। तो ये सैलून कहाँ पे है, आपको जो भी एड्रेस वगैरह जानना है तो आसिफ तो डाल देगा ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देगा। हाँ, आसिफ डाल देगा, और इनकी इंस्टाग्राम आईडी भी है, वो भी हाँ, आप टैग कर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हाँ, डाल देगा। तो इधर पे मैं आई थी, अपना थोड़ा बाल बिल का ये सब की थी, क्या की इधर हेयर स्पा की थी, और इन लोग अच्छे से मतलब सर्विसिंग इन लोगों की अच्छी है, अच्छे से सब देखते हैं हमारा बाल डैमेज रहेगा या हमारे बाल में क्या करना है, स्किन पे क्या करना है, ये स्किन और अपना हेयर देखकर हमें बताते हैं बराबर से। और बहुत ही अच्छी है सलून ना, सलून बहुत ही अच्छी है, और सब चीज़ ना अच्छे से होती है। और इन सबसे पहली बात तो इन लोग हर चीज़ ना हमें अच्छी तरीके से समझा के बताते हैं कि हमें क्या करना है, हाँ, है क्या यूज़ करना है, क्या करना है, हाँ, फेस पे हमें क्या यूज़ करना है। तो माशाल्लाह मुझे तो अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे से किए थे सब कुछ उन्होंने। और अगर आप लोगों को आना है यहाँ पर तो इनका फ़ोन नंबर वगैरह सब, हाँ, डाल सब मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हाँ, सब आसिफ सब कुछ डाल देगा। तो आप इनको कॉन्टेक्ट करना, फॉलो करना, और इनके सैलून पर ज़रूर जाना, एक बार इनकी सर्विसिंग लेना। तो ये देखिए अभी यहाँ पर मेरे बाल में हो रहा है हेयर स्पा, हाँ, हेयर स्पा का कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जैसे कि मेरा बाल में थोड़ा कलर बिलर था ना, तो इसके लिए उसको रिपेयरिंग करते हैं, मतलब थोड़ा हमें करना चाहिए, कम से कम एक महीने में एक बार तो हेयर स्पा करना चाहिए, इससे हमारे बाल जो डैमेज होते हैं ना कलर करने से वो रिपेयर हो जाते हैं, हेल्दी रहते बाल, हेल्दी रहते हैं। तो यहाँ पे चालू है मेरा सारा काम, इसके बाद में फिर मेरा क्लीनअप हुआ, फिर आसिफ का भी क्लीनअप हुआ, उसके बाद में आसिफ के बाल बिल कटिंग हुए, फिर उसके बाद में मेरा क्लीनअप वगैरह सब हो गया। अभी मेरा हो रहा है मैनीक्योर। ये कुछ नया लगा मुझे, तो कुछ अलग स्टाइल से उन लोगों ने किए, कुछ मोम बीम का कुछ लगा के, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था, इससे मेरे पाँव बहुत ही स्मूथ हो गए, सॉफ्ट हो गए और अच्छा लग रहा था, बहुत ही आराम भी मिल रहा था, इसके ऊपर बैठ के पीछे से मेरे पीठ के ऊपर मसाज भी हो रही थी, है ना, तो मज़ा आ जाता है बहुत ऐसा। तो ये देखिए ये सब चालू है हमारा काम इधर पे, और इनकी जो इनके जो स्टाफ है माशाल्लाह वो भी बहुत ही अच्छे स्टाफ लोग, बहुत अच्छे से मतलब करते हैं सब कुछ, है ना। और यहाँ के जो मेन है सना, सना वो भी काफ़ी बहुत ही अच्छे से मतलब बताते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना owner, है, ओनर बोलते हैं, ओनर, अच्छा, ओनर भी बहुत अच्छे हैं, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, सब मतलब अच्छे से मतलब हमें केयर मतलब करते हैं हमारे ऊपर। तो आप, मैं ये बार बार यही कहूँगी कि आप ज़रूर इनके सैलून पे जाइए। और ये देखिए ये अभी मुझे कुछ मोम का कुछ लगा रहे हैं ये, और इसे हम पैक करेंगे ना, तो ये देखिए ये कुछ मैं भी पहली टाइम देखी, मैं भी करती हूँ मैनीक्योर, ये सब मैनीक्योर में पैनीक्योर है ना, मैनीक्योर पेडीक्योर ये सब मैं करती हूँ, तो ये मैं करती हूँ, तो मगर ये कुछ अलग लगा मुझे और अच्छा भी था थोड़ा। आप लोग बोलेंगे कि आपा तुम पहले भी बताए थे, हाँ पहले भी बताए थे कि इनको मुझसे थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो इन्होंने मुझे फिर से बुलाए अपने सैलून पे, है ना, तो समझ जाओ आपा तुम्हारी इसका प्रमोशन ही कर रहे हैं, बराबर ना, हाँ, किसी को मुझसे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आता है तो कोई भी मुझे फिर से बुलाते हैं, फिर से प्रमोशन करने बोलते हैं। तो अभी मेरा वो सब हो गया करके, अभी मेरे हेयर जो रखे थे थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए,
अभी उसके धो भी के अभी उसको सेट करके देंगे। सेट करने के बाद माशाल्लाह मेरे हेयर बहुत ही अच्छे हो गए, तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से किए सब कुछ। तो आप लोग बातों पे कम, सर्विसिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, आपको पता चल जाएगा सब। क्या बोल रहा थी, बराबर नाती बराबर बराबर आती। तो ये देखिए अभी सब कुछ हो चुका है, मेरे बाल देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं मैंने, ये देखिए मस्त एकदम एकदम ठीक दिख रहे एकदम, है ना, माशाल्लाह शाइन भी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे थे बाल मेरे। तो अगर आपको अगर इनके सलोन पे आना है तो आप आ सकते हैं, इनका सलोन का एड्रेस वगैरह इनकी इंस्टाग्राम आईडी सब आसिफ अपना डाल देगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाल देगा, आप जाइए और फॉलो कीजिए इनको, और इनकी सर्विसिंग बहुत ही अच्छी है। तो चलिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, और इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी की और ब्लॉग की वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना भूलना मत। अल्लाह हाफिज़, और आ जाओ आप लोग भी सलोन पे एक बार जरूर विजिट करना सलोन पे। आप आसिफ बोलेगा आगे काफी अच्छा है, मम्मी का लुक चेंज हुआ, लुक चेंज हुआ, हेयर में कुछ डिफरेंस दिख रहे हेयर स्पा करने के बाद। हाँ अच्छे लग रहे थे बाल, फेस में भी अच्छा लग रहा, फेस में भी शाइनिंग आ गई वगैरह कर रहे मम्मी का। हाँ तो चलिए अल्लाह हाफिज। तो ये देखिए है ना बाल देखे कितने शाइन दिख रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं बाल मेरे। मैं बार बार अल्लाह हाफिज़ ही बोल रही हूँ, अभी मैं थोड़ा स्टाइल में दिखाऊंगी बाल बिल, पीछे से दिखाएगी अभी। मस्त 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 माशाल्लाह। तो चलिए अल्लाह हाफिज़, और एक बार ज़रूर बॉसिन सलून पे विजिट करना।